जब राजा बलि बावना अवतार में उनका उनके पास से दान रूप में 3 पैक जमीन की याचना की, राजा बलि ने उनको 3 पैक की जमीन दे दी। जमीन लेने के बाद उन्होंने तीनों लोगों को अपने 2 पैरों से मतलब उन्होंने नाप लिया। इसके बाद राजा बलि को तीसरा पैर जो है राजा बलि के शरीर के ऊपर उन्होंने रखा, तो राजा बलि जो है उनके बंधन में पड़ गए। तो बंधन में पड़ने के बाद उन्होंने राजा बलि को वरदान दिया कि हम आपको जो है रहने के लिए पातालपुरी का स्थान हम प्रदान करते हैं, आप वहाँ जाएं, वहाँ आप व्यवस्था पूर्वक रहें। तो राजा बलि जो है वहाँ के लिए सहमत हो गए। फिर राजा बलि ने कहा कि भाई आप हमको वरदान देने के लिए प्रस्तुत हैं, तो आप हमको एक ये वरदान प्रदान करें कि हम अपने पातालपुरी में, हम अपने भवन में जहाँ पर हम रहें, उस स्थान के प्रत्येक द्वार पर आपकी उपस्थित होनी चाहिए, और आप हमें जब हम निकलें तो आप हमको दर्शन प्रदान करें। इसी व्यवस्था के अंतर्गत राजा बामन भगवान राजा बलि के यहाँ रहने के लिए बाध्य हो गए और उनके द्वार के ऊपर वो रहने लगे। तो इसी के लिए कहावत यह है कि बावन भगवान राजा बलि को छलने के लिए आ गए और खुद छल गए। तो लक्ष्मी जी ने कैसे? हाँ, इसके बाद लक्ष्मी जी विकल हुई कि हमारे पति देव गायब हो गए, तो हम उनको कैसे प्राप्त करें। तो नारद भगवान से इसके विषय में पूछा। नारद भगवान ने कहा वो राजा बलि के यहाँ द्वारपाल के रूप में है, आप वहीं आए उनके दर्शन करें। तो लक्ष्मी देवी जो हैं वहाँ गई और उनको इस अवस्था में देखा, तो उन्होंने कहा कि इनका छुटकारा कैसे हो। तो उन्होंने राजा अपने कही कि हम आपकी बहन हैं, और उनको उन्होंने रक्षा बंध मतलब उनके राखी बांध दी। और उसी से और तब राजा बलि ने लक्ष्मी जी से पूछा कि आप हमसे भैया मतलब रक्षाबंधन में और भैया दूज में भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ प्रदान करता है, इसलिए आप हमसे कोई वस्तु की याचना कोई वस्तु हमसे मांग लें। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आपके यहाँ जो द्वार पर जो नौकर है इसे आप हमको प्रदान कर दें। तो बलि घबरा गए, अरे ये तो लक्ष्मी जी ही हैं। तो उन्होंने कह दिया भाई ले जाओ। तब से राजा बलि और भगवान बावन का साले और बहनोई का संबंध हो गया, और लक्ष्मी जी जो हैं राजा बलि की बहन हो गई। तभी से ये रक्षाबंधन और भैया दूज के त्यौहार संपन्न होते हैं। ये आप बावन से इसको कैसे जोड़ते हैं? हाँ, बावन से इसलिए जोड़ते हैं कि बावन में एक बलाई नामक का एक तालाब है और राजा बलि की यज्ञ स्थली की व्यवस्था है।